तो दोस्तों, इस गन को बनाने के लिए आपको एक खाली बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, प्लास्टिक की बोतल की। तो इस प्रकार की आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो आपको उसे कैप को खोल लेना और कैप के सेंटर बीचों बीच में होल करना है। तो मेरे पास ड्रिल मशीन है, तो मैं फटाफट से ड्रिल मशीन से होल कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मुझे पता है फ्रेंड्स कि आपके पास ड्रिल मशीन नहीं होगी, तो आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी आप होल कर सकते हो, या फिर किसी नुकीली चीज़ के द्वारा भी आप एक होल कर लीजिएगा इसके अंदर। तो आपको इस प्रकार से एक होल कर लेना। ये होल ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना आपको, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, आपको लगभग इतना सा ही होल करना। इसका मेजरमेंट मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप अंदाजे से आप देख लो फ्रेंड्स कि मैंने कितना बड़ा होल किया। तो मैं बाद में क्या करूँगा कि फ्रेंड्स, इसके अंदर एक जो नल वाली पाइप आती है, हमारी नल वाली पाइप, तो मैं उसको इसके अंदर फिट कर दूंगा। तो ये नल वाली पाइप का मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 इंच की है फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो बड़ी वाली, थोड़ी इससे थोड़ी लंबी पाइप भी ले सकते हो, लेकिन मैं मेरा सजेशन मानो तो फ्रेंड्स, आप 12 इंच यानी कि 1 फीट का ही इसको पाइप को लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। तो आपको इसको इस कैप के अंदर इस प्रकार से फिट कर देना, और आपको बाद में क्या करना है कि फेविक्विक डाल देना, और फेविक्विक डाल देना इसके ऊपर ताकि ये सपोर्ट के लिए थोड़ा अभी चिपक जाए। लेकिन आपको यहाँ पे फेविक्विक के भरोसे नहीं रहना है, आपको बाद में एम सील से भी इसको अच्छे से एयर एयर लीकेज बना देना। एम सील भी आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो एम सील आपको मार्केट में मिल जाएगी, 10 रुपये की एक डिब्बी आती है, उसके अंदर दो आती हैं। तो उसको मिक्स करके आप इस प्रकार से लगा दीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको सील कर दिया, अच्छे से चिपका दिया ताकि इसके अंदर थोड़ी सी भी एयर लीकेज ना हो। तो इसको सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आगे फ्रेंड्स इसके ट्रिगर की। तो ये लाइटर का जो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो स्पार्क क्रिएट करता है, तो मैंने इसको ले लिया और इसको इस वायर को, रेड वाले वायर को, और फ्रेंड्स ये सिल्वर कलर का आपको बोट जैसा दिख रहा है, इसको मैं इस बोतल के अंदर छेद करके इसके अंदर फिट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको इसके अंदर फिट कर दिया, और बाद में फ्रेंड्स मैं इसको भी चिपका लूँगा एम सील की हेल्प से। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं इस ट्रिगर को दबाऊंगा तो इसके अंदर एक स्पार्क क्रिएट होगा। तो ये वर्क कैसे करेगी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इस प्रकार से जो ब्लैक वाला भाग है उसको ऊपर की साइड रख देना, और वायर को भी अंदर आपको बोतल के अंदर लगा लगा लेना, फिट कर देना, और इसको ऊपर भी आपको एम सील लगा देना अच्छे से ताकि एयर लीकेज ना हो थोड़ी सी भी। तो आपको यहाँ पे अच्छे से एम सील लगा देना और फेविक्विक भी आपको डाल देना। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट होता है, तो उसी के कारण हमारी जो ये गन है ये वर्क करेगी। तो ये हमारी गन जो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये वर्क कैसे करेगी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये इस प्रकार से फ्रेंड जो हमारा कैब है इसको हमें इस प्रकार से कसना होता है, और इसके अंदर कैसे चलेगी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये गन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये गन बहुत खतरनाक होगी, नहीं है फ्रेंड्स ये गन। तो इसका यूज़ फ्रेंड्स आप अपने खेतों पे फ्रेंड्स जंगली जानवरों को भगाने के लिए कर सकते हो, या फिर अपने घर पर फ्रेंड्स बंदरों को भगाने के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आप इससे किसी की जान ले सको, ये सिर्फ साउंड के लिए है फ्रेंड्स। तो ये वर्क कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा ले लेना, और इस कैप के अंदर बोतल के अंदर डाल देना, और आपको यहाँ पे 7 से 8 ml थोड़ा सा पानी डाल देना, 7 से 8 ml के लगभग, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो आपको डालने के बाद छोड़ देना इसको 3 से 5 सेकंड के बीच में, ताकि इसके अंदर एसिटिलीन गैस बन जाएगी। और मैं पाइप के आगे की साइड फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लगा दूँ ताकि ये साउंड अच्छे से साउंड कर पाए। और अब मैं इसको इस कैप को मैं बोतल के अंदर इस प्रकार से कस दूंगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से टाइट से कसना, थोड़ी सी भी एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए, जो इसके अंदर गैस बनी है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो मैं इसकी टेस्टिंग बता देता हूँ आपको। तो मैं मेरे स्टूडियो के अंदर ही इसकी टेस्टिंग करूँगा क्योंकि फ्रेंड्स बाहर बारिश हो रही है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो मैं ट्रिगर दबाता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका साउंड है, आपने सुन ही लिया होगा वीडियो में। तो काफ़ी अच्छी गन है फ्रेंड्स, काफ़ी सस्ते में बन जाती हैं घर पे। तो आप इसको खोल के वापस इसको रीलोड कर सकते हो, कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा और पानी मिला सकते हो। तो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।